सत श्री अकाल जी सारे नू की हाल चाल। तो आज हम आए हैं पश्चिम विहार डीडीए मार्केट बी ब्लॉक अंकल अंडे वाले पर। यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं तंदूरी चीज बर्स्ट कुलचा। आइए दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं ये। तो अब आप ये देख रहे हैं इन्होंने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर दो अंडे लिए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा प्याज डाल रहे हैं, नमक है, मसाला है, मिर्ची है, जो इंग्रेडिएंट्स वो उसमें ऐड कर रहे हैं। कमेंट आते थी कि गैस ठीक नहीं है, होना से एलपीजी नाल कनेक्ट करता। ओके, कस्टमर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, होते भी एलपीजी नाल करता है तो एलपीजी नाल करता, वो डालता सही है। अब ये इन्होंने तवे पे बटर डाल दिया है और उसमें ये ऑमलेट जो अंडे इन्होंने मिक्स किए थे वो इस पे डाल दिया है। और अब ये देख सकते हो इसके ऊपर ये चीज स्लाइस रख रहे हैं, इसके अंदर ये दो चीज स्लाइस यूज करते हैं। और अब उसके ऊपर से ये चीज ब्लेंड डाल रहे हैं, वीबा का चीज ब्लेंड यूज करते हैं ये क्वालिटी के लिए। और अब ये देख लो कुलचा ऊपर इन्होंने रख दिया है और इसे अच्छे से एग जो है वो कुलचे में बढ़िया से लगा दिया है। वाह क्या बढ़िया दिख रहा है। और अब ये देखो यार क्या बढ़िया चीज़ दिख रहा है। अभी तो पूरा अच्छे से बना भी नहीं है लेकिन उसके अंदर चीज़ देख रहे हो, चीज़ बर्स्ट इसका नाम है। और एक्चुअली में चीज़ जो है उसके अंदर बहुत बढ़िया क्वांटिटी में डाला गया है। तो अब ये है इनका मेन जो काम है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ये देख लो पहले ऊपर ही अपना तंदूरी सॉस लगा रहे हैं जो कि इनकी मैन्युफैक्चर ये घर पर ही करते हैं, खुद ही बनाते हैं। उसके ऊपर अब आप ये देख रहे हो फायर इन्होंने कर दिया है और ये फायर से इसे अच्छे से सेक रहे हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो उसके ऊपर ये जो बटर जो है पिघला के डाल रहे हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होगा, और दूसरा जो ये फायर से ही कर रहे हैं ना इसमें इसकी वजह से एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। जब आप उसे खाओगे तो एक हल्का सा स्मोकीनेस मिलेगी उसके टेस्ट में, जो कि बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट हो जाता है। इनको बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो सिलेंडर आता है छोटा फायर सिलेंडर वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो इन्होंने इसको डायरेक्ट गैस से कनेक्ट कर दिया है, गैस सिलेंडर से, तो अब वो वाला इशू भी ख़त्म हो गया। और अब ये ऑलमोस्ट रेडी है और इसके ऊपर दोबारा से फिर से चीज़ ब्लेंड डाली जा रही है, बिकॉज चीज़ बर्स्ट है तो चीज़ से भर दिया गया है उसको। तो ये हमारा चीज़ बर्स्ट तंदूरी कुलचा बनके रेडी है, साथ में ये मिंट सॉस, टमाटर की चटनी और म्यूनीस के साथ सर्व किया जाता है। का जो टेस्ट है वो अच्छा है, चीज़ डाली हुई है तो चीज़ का बढ़िया स्वाद आ रहा है, जो इन्होंने उसे अच्छे से स्मोक किया है ऊपर उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर है। आइए यहाँ पर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।